हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत पुराना रीति रिवाज है वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरे मामी ससुराल में समुंदर मंथन हो रहा है, तो समुंदर मंथन किसी को नहीं मालूम है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में आजकल की लड़कियों को बहुत कम मालूम है जो हमारे यहाँ होता है वो फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो होते हैं अपनी बहन को चुनरी उड़ा के इस तालाब से बाहर निकालते हैं, और जिनके भाई नहीं होते हैं तो उनके धर्म भाई भी होते हैं यहाँ पे, और धर्म बहन भी की जाती हैं। तो इस तरह से ये यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पे सभी गांव वाले बहुत दूर दूर से आए हैं, और ये काराड़ी है गांव का नाम, और यहाँ पे ये 80 साल से हुआ है। कभी किसी के गांव में 50 साल से होता है, तो ये बहुत जो है सालों से यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए भीड़ आप कितनी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ भाई और बहन का ही जोड़ा है। सब भाई अपनी बहन को चुनरी उड़ा के इस तालाब से बाहर निकालते हैं, और ये बहुत पुराना जो है रीति रिवाज है। और ये मंथन जो है देखिए, सबसे पहले भाई बहन ने स्नान कर लिया है तालाब में, और अब भाई अपनी बहन को चुनरी उड़ा रहे हैं, और एक बहन इनके साथ आप और देख रहे हैं। ये यहीं की जाती है, इसको संबंध बहन कहते हैं। तो इस संबंध में जो बहनें होती हैं वो जो है जीवन भर अपना बहनों का रिश्ता निभाते हैं, और ये देखो इनको भी ये चुनरी उड़ाते हैं। तो आज से एक इनकी सगी बहन है और एक जो है ये विमला बहन की संबंध बहन हो गई है, तो इनके भी बहनी हुई। तो ऐसे जो हैं ये संबंध मंथन करते हैं, और अभी देखिए इनको हाथ पकड़ के बहनों को बाहर निकाल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट हुआ है। तो देखिए इन दोनों बहनों को हाथ पकड़ के भाई बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी सबको जो है इस तरह से ही भाई बहन का ये रिवाज होता है। और यहाँ पहले के टाइम में जब बहनें यहाँ स्नान करती और ये मंथन हुआ करता, तो बहुत पहले जो है ये बहन यहाँ पे तालाब में स्नान कर रही थी और भाई आए नहीं, तो वो बहन तालाब में ही डूब के मर गई थी। उसी दिन से यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो बैठे रहते हैं भाई या गांव के ठाकुर होते हैं, वो जो उन बहनों के जिनके भाई नहीं होते हैं तो उनको चुनरी उड़ाते हैं, और ये बहुत ही धूमधाम से ये रस्म हमारी मनाते हैं। और ये जो संबंध मंथन क्यों करते हैं, क्योंकि ये पीहर का होता है, हमें संबंध जैसा पीहर वापस मिलता है। तो फ्रेंड्स, जितनी जानकारी मुझे थी उतनी मैंने आपके साथ की है शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो देखिए अभी हम यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहे हैं काराड़ी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।